तो इस टूटी हुई दीवार को देखकर यह प्रतीत होता है कि यहाँ पर गेट था, क्योंकि इस तरफ मैं नज़र डालता हूँ तो देखिए। तो दोस्तों ये दीवार है मुगल काल की और इसको बने हुए 500 वर्ष हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर घोड़े और हाथी यहाँ कला करते दिखाया करते थे। और यहाँ जो ये आप पाथ देख पा रहे हैं इतना बड़ा, और इस तरफ भी ये दीवार है, यहाँ पर इनके चारों तरफ लोग बैठा किया करते थे। तो देखिए इस दीवार में यहाँ पर 3 गेट हमें नज़र आ रहे हैं। ये हिस्सा देखिए यहाँ से दोस्तों, ये दीवार के अंदर जाने का हिस्सा है यहाँ से। ये दोस्तों आपको जगह देखने से थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये हमारे इतिहास से जोड़कर रखने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल अनटच पॉइंट है। आपने आज से पहले ऐसा स्थान नहीं देखा होगा, शायद आपने ऐसा स्थान फिल्मों में ज़रूर देखा होगा लेकिन रियलिटी में किसी ने नहीं दिखाया होगा। तो आज मैं ऐसी ही जगह ये दिखाने के लिए लेकर आया हूँ, जो आप मेरे पीछे ये सीढ़ियाँ देख पा रहे हैं। अभी मैं इसके ऊपर जाऊँगा और उसके बाद में मैं बताऊँगा कि आखिर मैं आज आपको कहाँ लेकर आया हूँ। तो चलिए एक बार ऊपर चलते हैं फटाफट से, और वहाँ से मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाऊँगा और इसका इतिहास क्या है, आखिर इस दीवार को क्यों बनाया गया था, ये सब बातें आप जानेंगे। तो आपने देखी है आज से पहले ऐसी दीवार कभी, इतनी चौड़ी और उसके साइड में इतनी जो ये बुर्जू बनाए गए हैं छोटे छोटे इतने सारे। ये दीवार लगभग दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको 10 फुट के आसपास ये दीवार इतनी चौड़ी है, इतनी आराम से कि यहाँ पर बड़े बड़े जो हाथी होते हैं घोड़े होते हैं आराम से चल जाए और एक गाड़ी आराम से यहाँ पर आ जाए, इतनी चौड़ी ये दीवार है। पर नज़ारा देखिए आप ऊपर से, यहाँ से ये जरोके बनाए गए हैं, यहाँ पर सुरक्षा के तौर पर इनको संभालने के तौर पर रखा जाता है। देखिए दीवार का नज़ारा कितना गज़ब लग रहा है, और इसके ऊपर ये इतना बड़ा पुल। आखिर हूँ कहाँ पर मैं, कहाँ आपको मैं लेकर आया हूँ, ये खेतों के बीच में इतना बड़ा जो ये दीवार हमें नज़र आ रही है ये कहाँ पर है। तो दोस्तों मैं आज आपको लेकर आया हूँ राजस्थान के एक अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाजीपुर नामक गांव के अंदर, और यहाँ की जो रियासत थी वो थी अकबर कालीन की, मतलब मुग़ल काल का ये हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं पूरा ये पॉइंट, ये मुग़ल काल का है और उनके द्वारा ही ये बनवाया गया था। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हाजीपुर एक फोर्ट भी है, उस फोर्ट के टाइम पर यहाँ पर ये दीवार बनवाई गई थी पूरी, जो ये यहाँ से आप इसे देख पा रहे हैं, इधर से सामने से भी है और उसके बाद में इधर से भी है। तो लगभग ये दीवार है कम से कम 12 बीघा ये ज़मीन है पूरी अंदर से, ऐसा बताया है यहाँ के जो रहने वाले हैं उन्होंने, 12 बीघा ज़मीन है और इसके चारों तरफ ये 10 फुट की दीवार ये इतनी है, और उसके बाद में ये भी बनाया गया था, ये इतनी बड़ी दीवार है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मुग़ल काल की ये दीवार बनी लगभग हो गया इसको 500 साल, और 500 साल से ऐसे ही टिकी हुई है, और इसकी हाइट लगभग दोस्तों इसकी 50 से 60 फुट ऊँची ये दीवार है। तो इसके ऊपर ही अभी मैं आया हूँ और उसको आगे चल कर भी दिखाऊँगा। ये हिस्सा देखिए यहाँ से दोस्तों, ये दीवार के अंदर जाने का हिस्सा है यहाँ से, ये वाला, और ये आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमें टूटी हुई नज़र आती है दीवार, देखिए कितनी चौड़ाई है इस दीवार की, और सामने एक ये पिलर नज़र आ रहा है, ये दीवार का ही है जो गिर चुका है, और उसके बाद में सामने की तरफ हमें दीवार नज़र आती है ये, जिसके अंदर जाने का रास्ता हमें नज़र आता है, देखिए ध्यान से। और उस तरफ भी हम चलेंगे अभी, और अभी इस तरफ का नज़ारा कुछ ऐसा है, मैं नीचे से भी इसको दिखाऊँगा अच्छे से। चलने की कोशिश करते हैं नीचे, देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है, और अभी चल रहे हैं नीचे। अभी नीचे रास्ता बंद है फिलहाल ये, क्योंकि आगे जाने का रास्ता था, तो अभी वापस से चलते हैं और पूरा अच्छे से नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपका। तो अभी आगे चलते हैं इस दीवार के, और ऐसी दीवार आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी, किले के अंदर ज़रूर आपने देखी होगी ऐसी दीवारें, लेकिन ऐसे अलग से एक खेतों के बीच में क्यों बनवाई गई थी, ये आखिर रीज़न क्या था इसका बनवाने का, तो मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि ऐसे जो बाड़े होते हैं काफ़ी बड़े बड़े इस तरह के, वो
मनोरंजन कह सकते हैं या फिर कचेड़ी कह सकते हैं। कचेड़ी इतनी बड़ी नहीं लगती होगी उस समय में मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा स्थान है। इस तरफ मैं नज़र घुमाता हूँ तब यहाँ पर दोस्तों एक बुर्ज बना हुआ है, देखिए इसके बीच में ये बुर्ज बना हुआ है और इसकी दीवारें देखिए कितनी ज़्यादा मजबूत है, और यहाँ से भी इस ये दीवार यहाँ से टूटी हुई है। और मैं इस तरफ चलने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर भी नीचे जाने का रास्ता है इस तरफ। ये रास्ता कहाँ निकलता है हमें कुछ कह नहीं सकते, और आगे ये दीवार यहाँ तक भी है और यहाँ से ये दीवार टूटी हुई है पूरी की पूरी। ये देखिए पूरा हिस्सा इस दीवार का दोस्तों। यहाँ पर घोड़े और हाथी यहाँ कला करते दिखाया करते थे और यहाँ पर इकट्ठा हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जो ये आप पाथ देख पा रहे हैं इतना बड़ा, और इस तरफ भी ये दीवार है यहाँ पर, इनके चारों तरफ लोग बैठा किया करते थे ऊपर, और यहाँ पर जब घोड़े कलाकृति दिखाया करते थे और घोड़े वगैरह रेस किया करते थे, जो भी कार्यक्रम उस समय राजाओं के द्वारा हुआ करता था वो कार्यक्रम इसी के अंदर हुआ करता था, और लोग उस कार्यक्रम का इस दीवार के ऊपर बैठकर खड़े होकर लुत्फ़ उठाया करते थे। और काफ़ी बड़ी दीवार है, लगभग ये दीवार मैं टोटल मान सकता हूँ 15 से 20 फुट चौड़ी, और उसके बाद में ये पूरी ज़मीन है 12 बीघा, और इसके अंदर काफ़ी सारे मात्रा में घोड़े हाथियाँ आराम से आ सकते हैं। तो अभी नीचे चलता हूँ मैं, और नीचे चल के इस तरफ का भी हिस्सा आपको मैं पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दीवार का ये हिस्सा, इस तरफ वाला काफ़ी बड़ा हिस्सा है ये, और अभी इसके ऊपर जाने का रास्ता मैं खोज रहा हूँ। ये दीवार देखिए यहाँ से कैसे खेतों के बीच में बनाई गई इतनी बड़ी दीवार, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर किला भी है हाजीपुर का, उस किले के समय की है ये। आगे चलते हैं इस तरफ, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ये दीवार बीच बीच में टूटी हुई है, जैसे कि कोई गोले बरसाकर इस दीवार को तोड़ा गया हो, जैसा कि आप ये निशान देख पा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ी दीवार है ये, उसी तरीके से है जैसा कि मैंने अभी ऊपर जाकर आपको दिखाया था, ये उसी प्रकार ये दीवार है पूरी की पूरी। और इसके अंदर चलने की कोशिश करते हैं कि फ़िलहाल इसके अंदर क्या रखा हुआ है। तो देखिए इस दीवार में यहाँ पर तीन गेट हमें नज़र आ रहे हैं, और अंदर चलने की कोशिश करते हैं एक बार कि क्या रखा हुआ है अभी। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर इस दीवार के अंदर भी इतने बड़े बड़े ये रूम थे, क्योंकि यहाँ पर लोग बैठा करते थे और कार्यक्रम का लुत्फ़ उठाया करते थे, और फिलहाल यहाँ पर ये सामान रखा हुआ है। और इस तरफ ये बाहर निकलने का, दूसरी तरफ निकलने का रास्ता है, और इसके अंदर भी ये पूरा एक रूम टाइप में बनाया हुआ है। इतनी बड़ी दीवार है, आप नीचे का जो ये रूम है जितनी भी चौड़ी है देखिए, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी चौड़ी ये दीवार है। और हमें कुछ अलग चीज़ देखने को मिल रही है दोस्तों, तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना। तो इससे टूटी हुई दीवार को देखकर यह प्रतीत होता है कि यहाँ पर गेट था, क्योंकि इस तरफ मैं नज़र डालता हूँ तो देखिए मैं उस तरफ था पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, और वहाँ पर देखिए आपको किला भी नज़र आ रहा होगा। और ये दीवार है पूरी की पूरी, ये यहाँ पर शायद एक गेट होगा जिसको बाद में तोड़ा गया है, और दीवार के अंदर इतने सारे पेड़ पौधे यहाँ पर चिपके हुए हैं यहाँ पर दीवार के अंदर ही, और उसके बाद में ये पूरा हिस्सा है, पूरा मैदान था, और इस मैदान के अंदर ही वो घोड़े हाथी वगैरह सब कार्यक्रम हुआ करता था। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब मूवीज़ में अपन देखते हैं कि राजा महाराजाओं के टाइम पर ऐसे कलाकृति दिखाते हैं घोड़े हाथी, उसी प्रकार यहाँ पर भी कितनी अच्छी व्यवस्था होती होगी उस समय के अंदर, और आज वर्तमान समय में देख सकते हैं इसकी हालत क्या हो गई है। यहाँ पर भी दीवार के अंदर ऐसे ही ये रूम की व्यवस्था की गई है, और ये पास में अगर उस तरफ दीवार का मेन गेट है अंदर आने का, पूरा हिस्सा है इस दीवार का। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दी है ये मुग़ल काल की बनी हुई इतनी बड़ी और भव्य दीवार, जिसके अंदर कार्यक्रम हुआ करता था राजाओं महाराजाओं द्वारा, और ऐसी दीवार आपने शायद पहली बार ही देखी होगी, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में ऐसे ये बाड़े के टाइप में इतनी बड़ी दीवार पहली बार देखी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब मैं ऐसी ही ऐतिहासिक जगह की वीडियो डालूं तो आपको तुरंत मिल सके। तब तक के लिए आपका प्यार मेरे लिए ऐसे ही बनाए रखना। और ये देखिए आप पूरा नज़ारा पीछे का।